प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित जशपुर जिले की हितग्राही पहाड़ी कोरवा श्रीमती मन कुमारी बाई से वर्चुअल जुड़कर सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री ने श्रीमती मन कुमारी बाई से पूछा कि उन्हें सरकार के किन किन योजनाओं का लाभ मिला है। इसके जवाब में श्रीमती मन कुमारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित पक्के मकान में हम रहते हैं। पहले बिजली न होने की वजह से बहुत दिक्कतें होती थी और अब नहीं होती। श्रीमती मन कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन योजनाओं के लिए धन्यवाद दिया, जिसे स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके धन्यवाद के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने न केवल इन योजनाओं का लाभ लिया बल्कि दूसरे हितग्राहियों को भी योजनाओं का लाभ दिलाया। होते जोहार। जय जोहार। मेरा जरा नाम आप श्रीमती अपने बारे में मनकुआरी बाई है। बताइए। मेरा नाम श्रीमती मनकुआरी बाई है सर। ग्राम पंचायत कुटमा सलखा डांड जिला जसपुर छत्तीसगढ़ में रहती हूँ सर। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं सर। मन कुमारी जी, आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरा पक्का घर भी बन गया है सर। मेरे घर में बिजली भी लग गई है और नल जल से पानी भी आ रही है और गैस भी मिला है सर। अच्छा मन कुमार जी, पानी और गैस मिलने से आपके रोजमर्रा की जिंदगी में कितना बदल आया, क्या फर्क हुआ, क्या आसानी हुई? सर हम लोग पहाड़ी कोरवा हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। ढोड़ी कुआं सबका पानी पी रहे थे और बहुत दूर पानी लेने जाना पड़ रहा था, 1-2 किलोमीटर सर। और जिस कारण हम लोग गंदा पानी पीने के कारण उल्टी दस्त हो जा रहा था। अभी हम लोग नल जल से प्राप्त पानी शुद्ध पानी पी रहे हैं तो बीमारी से भी बच रहे हैं और समय का भी बचत हो रहा है। और गैस से हम लोग बहुत जल्दी खाना बना रहे हैं। पहले हम लोग लकड़ी से खाना बनाते थे और घर में धुआं हो जा रही थी, खाना जल्दी नहीं पक रहा था, फिर बच्चे खाना खाने के लिए रो रहे थे। अभी हम लोग गैस में जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं सर और समय का भी इसमें भी बचत हो जा रहा है और बच्चे लोग समय से स्कूल जा रहे हैं। नहीं तो पहले लकड़ी इकट्ठी करके जलाते थे। जी सर, जंगल से मतलब लाके तो अब जला गैस आया रहे तो नई नई चीजें बनाना भी शुरू किया होगा आपके, जो थे। चूल्हे जी पर नहीं सर, बन पाती हैं गैस पर काफी बनता होगा। जी सर, तो ऐसा कुछ नया सीखा है क्या आपने पकाने का? जी नया पकाने में कोई बोला नई चीज सिखाया सीखी है क्या? जी सर। क्या सीखा है? जल्दी जल्दी खाना बनाने नहीं और नहीं कुछ जल्दी जल्दी बनाने के बनाना, लिए कोई अच्छी चीज बनाती हो तो बताओ ना, हम खाने के लिए नहीं आएंगे, आप चिंता मत करो। जिलेबी सब बनाते हैं सर, ढुसका सब, भजिया सब। अच्छा मन कुंवर जी, आपका स्वयं सहायता समूह क्या क्या काम करता है और सर अभी इस अभी संबंध में क्या तो कोई प्रशिक्षण मिला है लोगों को? जी सर, मेरा समूह का नाम है दीप समूह और हम लोग 12 सदस्य हैं, जिसमें अभी प्रधानमंत्री वनधन केंद्र में वो बोना पत्तल का प्रशिक्षण 5 दिन तक दे चुके हैं सर। अभी लगभग हम लोग 8,500 का दोना पत्तल बना चुके हैं। कितनी बहनें हैं आपके साथ? 12, 12। मेरे साथ 12 बहन है जी। और 8-9 हजार रुपये का आपने पत्तल और वो सब बना दिया है, जी सर, तो बना लिए वो हैं। बाजार मिल जाता है, उसका बिकाई बिक्री हो जाती है? उसको हम लोग अभी वन धन मार्केट में बेचेंगे सर, अभी तो नहीं बेचे हैं, अभी बना के इकट्ठा किए हैं। अच्छा मन कुमारी जी, आपने बताया कि जी आप सर, जनमन संगी है, जी तो सर, आप किस तरह से लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी देती हैं? मैं सभी पहाड़ी कोरवा, मेरे पहाड़ी कोरवा के घर घर जाती हूँ
और आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, इसके लिए मैं मेरे पहाड़ी कोरवा भाई बहन को मत हूँ और उन लोग को पंचायत तक ले जाकर सहयोग करती हूँ सर। अभी बहुत लोग का आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जॉब कार्ड, राशन कार्ड बन गया है। जो काम 75 वर्ष में नहीं हुआ था सर, वो अभी 25 दिन में पूर्ण हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। मन कुमार जी, आपके आपके धन्यवाद के लिए तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन ये जो पीछे इतने सारे बच्चे हैं और बड़े यूनिफॉर्म में हैं और बेटियां तो बहुत ही ब्राइट दिखती हैं, बहुत उनके अंदर कोई जोश जुस्सा दिखता है। अच्छा, मैं बेटियों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग खेलकूद में कितना हिस्सा लेते हैं? जरा हाथ ऊपर करिए, कौन खेलकूद में हिस्सा लेता है?